नमस्कार, आप नेशनल भारत के साथ में राकेश। आज राजधानी पटना में पैक्स प्रबंधक संघ ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष पैक्स प्रबंधक संघ ने बताया कि पैक्स प्रबंधन को सरकारी कर्मी घोषित करने के साथ साथ कमीशन के रूप में हमें सरकार न रखे। हम लोग इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी सुध तक लेने नहीं आ रही। अब यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती, हमारी बातों को नहीं सुनती है, तो 25 मार्च को विधानसभा के पास हम आत्मदाह करेंगे। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये था कि राज्य के 8463 जो पैक्स हैं और इन पैक्स में जो प्रबंधक कार्यरत हैं, दशकों से ये प्रबंधक कार्यरत है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय के द्वारा सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मी का दर्जा देने हैं तो आश्वासन दिया जाता है, जो बहुत ही खेदजनक बात है। 2 मार्च 2020 को विधानसभा घेराव मार्च भी हम लोग किए थे, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि 20 मार्च 2020 तक इन प्रबंधकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दें, अन्यथा की स्थिति में 25 मार्च 2020 को बिहार विधानसभा के समक्ष प्रदेश कोर कमेटी के संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, हम लोग सामूहिक रूप से विधानसभा के समक्ष आत्मदाह करेंगे। कितने लोग क्या भैया? और नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहें नेशन भारत के साथ। साथ ही हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।